हाय गाइस, वेलकम टू द पाकिस्तानी फैमिली एंटरटेनमेंट। तो कैसे हैं आप? मेरा नाम है खुरम और मेरा नाम है वजाहत। तो भाई साहब, जेलर मूवी में तो भाई रजनीकांत का बेटा तो सीधे सीधे किडनैप हो गया, लेकिन खबरें जहां तक सुनने को मिल रही हैं के वो मार मारा भी भी दिया गया है, और पुलिस डिपार्टमेंट जानबूझ के नहीं कर रहा वो क्योंकि जो उसको पीछे करना कोई बड़ा चाहिए। माफिया है शायद। हाँ, तो गणन करते हैं स्टार्ट। क्या कर रहे हो? जानी पता है ना क्या कर सकते? गाड़ी में गिर गया तो यहाँ देखो आपको कौन सी पता लगता है? पता नहीं चो अंदर आए क्योंकि पुलिस वाले तो साथ ही थे। लगे तो भी बड़ा है तुम्हें सारे संतान बोल। हाँ तो लेकिन अभी खुद आए और खुद रुक के ब्रेक मारी। क्या भाई, सोचा था डर के भागेगा, आज तो खंभा गाड़ के खड़ा है। ठोक दिया होता ना तो नारियल के झाड़ पे लटका होता। लेकिन अभी मसला कुछ और है। मैं अभी अलग मूड में हूँ, मेरे रास्ते से हट जाओ। मूड का मूड बनाने वाले हम लोग, हमसे ही मूड की बात। कहाँ का मूड है? मल्लिका से मिलने का। मल्लिका से मिलना है? अच्छा, हम एक ही एरिया के लोग हैं। तू पैदल जाएगा तो मेरे पांव दुखेंगे। अंदर आ जा, मैं छोड़ देता हूँ। ओह श्योर। डर मत यार, आजा बैठ जा, मारूंगा नहीं। नहीं आएगा ना तो जरूर मारूंगा। चल ठीक है, आता हूँ अंदर। क्या मारूंगा? लगता है तो आजकल बहुत शिलाजीत खा रहा ले बॉय। शिलाजीत? अच्छा, ये इंडिया में भी ना चीज चलती है? मल्लिका कैसी दिखती है? अच्छी है क्या? वही तो देखना है। क्या मतलब है? देखा ही नहीं क्यों? फेसबुक फ्रेंड है? म्यूचुअल फ्रेंड। ये क्या म्यूचुअल फ्रेंड? ओ, इस उम्र में नए झटके। अबे क्यों हटा रहा है? वो पता परेशानी में। अब वो फेसबुक पे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजिए, एक्सेप्ट कर ले। मैं भी मल्लिका का म्यूचुअल फ्रेंड बनना चाहता हूँ। ज़ालिम। लगता है ये मल्लिका, ये वाकई में मल्लिका से मिलने आया। तो जरा देखो, वो जहां तक लगता है तो हाथ तो उसका भी हो सकता है। चल रही है। ये ऐसी है तो मल्लिका कैसी होगी? तो शायद यही ना हो। बस क्या थारा के मूड में ही दोस्त को छोड़ के जा रहा है। अरिया माली ने कहा था ना, चबन की धूल में खिले फूल, कोई और मिल गई तो दोस्त को फौरन गया भूल। तू भूल से भी मत जाना। अगर 5 मिनट में नहीं आया तो मैं वहां आ जाऊंगा। ईमानदारी दिखाने का क्या फायदा भाई? कुछ करो भाई। वर्मा तो भाई पागल है। हाँ बोलो भाई। अरे सुन, वो जो वॉइस मैसेज तूने भेजे ना, वो सब डिलीट कर। वो सब मत भेज मुझे। सही या गलत, जब तक वर्मा के साथ ईमानदार रहेंगे तब तक ही जिंदा रह पाएंगे। मैं वर्मा के लिए ईमानदार हूँ या नहीं, मैं खुद के लिए ईमानदार हूँ। फोन रख पे चल ले। मैं सबको देता हूँ फटका, ये मुझे दे रहे झटका। कितने दिन पूरे हो गए? हत्ते पागल। क्या हुआ, मिल गया क्या छोटा डायनासोर? आपके बॉयफ्रेंड और आपके बेस्टी का एक ही दिन बर्थडे है, तो रात के 12 बजे आप सबसे पहले किसको विश करेंगे? रील्स कौन देख रहा है? बेस्टी को। पर क्यों? बॉयफ्रेंड बदलते रहते हैं पर बेस्टी नहीं बदलती। बेस्टी को सपोर्ट कर रही है, उल्टा चक्कर। मेरे साथ से इसको इसी से जान। अबे इसको मारा मारा। मार दिया।
मल्लिका को लाना था, ये क्या सामान उठा के ले आया? अरे कुछ नहीं, वेस्ट माल है, इसे रास्ते में कहीं फेंक देंगे। जरा डिक्की खोलना। लेकिन इसको इससे क्या पता चला फिर इसको मार दिया? और सारा दिन घर में घुसा रहेगा, अजीब है। गाड़ी जरा लेफ्ट साइड में लगा दे। अरे जो भी कचरा है जल्दी फेंक यार। तू भी आ जा। कलयुग है। साइड में क्या साइड में इतना देर हो रहा है? देर होगी। हाँ मुझे वही लग रहा, पुल ले। और ये नहीं पता इसमें बंदा है। बोलता है कचरा गेंदा भर के लाया, कितना वजन है। मल्लिका दिखाने के नाम पे नाला दिखाया। हरिया माली ठीक ही कहता था, चमन के धूल में खिले फूल, बच्चे को बनाया फूल और देता है फूल। तू रुक जा, एक दिन बनाता हूँ तेरे को फिजूल। ये क्या खून शून तो नहीं लगा? हाँ। सूंघ रही। ये चुकंदर की बू है क्या? नहीं, ब्लड है। पहुंच कर साफ कर ले। ब्लड? ऐसे घुसाया और यूं रगड़ दिया तो भग भग करके बाहर आ गया। भग भग करके बाहर आ गया? काटा क्यों? काटता तो ही मरता। मर दिया? ये भग भग करके मैंने मेरे बेटे को प्यार और ईमानदारी सिखाकर पाला था, उसी ईमानदारी की वजह से वो मारा गया। बेटा मर गया? उसकी मौत का जिम्मेदार मैं ही हूं। मतलब मर गया, आई थिंक कंफर्म हो चुका है। ये सोच सोच कर तकलीफ हो रही है। बेटा था ना, मेरे बेटे को मारने वाला खुश था, कैसे? इसीलिए उसे मारने का फैसला किया। जी, अब मार डाला। आपके बेटे को मार डाला, बदले में आपने उसे मार डाला। लेकिन उसने नहीं मारा होगा। पर औंधा में मुझे क्यों उठा डाला? क्या है? पति तो बोला। तू बहुत दिनों से मुझे इरिटेट कर रहा था। तुझे एक दिन ठोकने का फैसला किया था मैंने, भगवान ने तुझे मेरे सामने लाकर खड़ा कर दिया। तब भी सोचा तुझे छोड़ देता हूं। तू हरिया माली की कहावत बहुत सुनाता था, तो फैसला किया कि तुझे तो नहीं छोड़ूंगा, और उसे मार कर तुझे बकरा बना दिया। तुमने मुझे बकरा बना दिया? मैं अभी पुलिस के पास जाऊंगा। हाथ में लगे हुए ब्लड के साथ पुलिस के पास गया तो वो तुझे ही पकड़ेगी। तो हाथ धो के जाऊंगा? बिना हाथ के गया तो भी तुझे ही पकड़ेगी, क्योंकि तूने ही ये खून करने बोला। मैंने कब बोला? पर मैं तो ऐसा ही बोलूंगा। अब बोल। सर जी, सॉरी जी। अपने पास सॉरी नहीं चलती, सीधी सजा मिलती है। तुम कुछ भी नहीं। मैं भूल गया। हरिया माली। यार तो भाई मजे में तो भाई उसको मार दिया, लेकिन जो ये डायलॉग इसको मारा करता था आज वही रही कहानी इसको मार रही। मजा आ गया। वो कहता है यार तूने उसको मारा क्यों, कैसे है क्या? गर्दन में यूं रखा और यूं उसको पुकारा तो भग भग करके इसका खून मार रहा। भग भग करके वो डरा कितना था वो यार। पहले बड़ी तड़िया मारता था ना, खून जब आता यूं करता ही। कहता चुकंदर की है, कहता नहीं साफ कर ले, तो खून है। ओ जालिम यार, वो बहुत मजा। कहता ये तो चुकंदर नहीं है। ओ यार, तरंग मारने आया था रजनीकांत सर ने। तरंग मारने जो गए, छोड़ा ही नहीं उसको। कसम अबे पैर वो रजनीकांत बचता रहे ना, वो उसकी दूर से मैंने गाड़ी देखी, मुझे वही लगा क्योंकि हमेशा दबा के हां और बोल दबा के आ रहे। लेकिन रजनीकांत सर आगे से हटे नहीं है, उधर ही ब्रेक मार। कहता है बे
आज तू आगे से हटा नहीं, कहता आज मेरा हटने का मूड नहीं था, आज मैं कहीं और जा नहीं। रजनीकांत सर कहता अबे मेरे रास्ते से हट। हालांकि रजनीकांत सर बीच रास्ते में तो चल रहे थे बेचारों गाड़ी के दर से कर, लेकिन भाई उसे उड़ता हुआ तीर लिया। वो कहता है यार तू पैदल जाएगा तो मेरे पाँव को तकलीफ होगी, तुझे मैं छोड़ गया रास्ते में। कहता तू किसके पास है? कहता मलिका के पास। कहता मलिका कौन है? कहते म्यूचुअल फ्रेंड है। कहता है सलाजीत खाते हो? ओ यार ये सलाजीत वहां भी है क्या? वो इधर भी उसका बड़ा नाम है सलाजीत, इधर तो बहुत चलती है, तो इंडिया में भी होगी जब सलाजीत नाम आया तो भाई आज फर्स्ट है। लेकिन भाई वो तो कह रहा यार हमारी भी दोस्ती करवा दो यार। कहता ही रास्ते में जा टक, कहते फ्रेंड रिक्वेस्ट आपको भेजी है मुझे, हमें भी म्यूचुअल फ्रेंड बना दो मलिका का। लेकिन एंड में सारी अगड़ी निकल गई। लेकिन वजह मुझे लगता है रजनीकांत सर को भी पता चल गया उनका बेटा मर गया। हाँ। और उसने उसको तो मार दिया, लेकिन तुझे लगता है कि उसका हाथ होगा ये जिस बंदे को मारा इसने? नहीं, नहीं, वो नहीं, पीछे नहीं। मुझे लगता है मैन वर्मा ही है। वर्मा है, वर्मा सबसे खतरनाक बंदा है भाई, क्योंकि अभी तक वो सामने भी नहीं आया। बिल्कुल हो सकता है उसका बेटा भी शायद जिंदा हो, क्योंकि सामने नहीं आया बिल्कुल। हाँ। ना कोई लाश मिली और ना उसका वो कोई सीन दिखाया कि हाँ उसके बेटे को मारा गया। यार एक सबूत होता है ना कि थोड़ा सा कि चलो पता चल गया, कपड़े मिल जाएं, कोई घड़ी उसकी मिल जाए, कुछ भी मिल जाए। मूवी के अंदर अक्सर दिखाया भी जाता है, लेकिन अब ये बड़ा सीक्रेट इस चीज को रखा हुआ है। तो हम भी परेशान है क्या सच में वो मरा है या किसी के पास, मतलब वर्मा ने अपने पास उसको रखा? वर्मा रखता तो नहीं है वैसे। हाँ सस्पेंस काफी गंदा रखा, मार देता है सीधा वही ना। अब आगे देखते होता है क्या।